वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस टू डॉक्टर कर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअली क्या है ना कि आप अंग्रेजी बोलने के लिए बेताब तो होते हो लेकिन आप ये नहीं सोचते कब गलत कब सही बोलना है संभल करके बोलना कुछ शब्दों को नहीं तो पर्सनालिटी क्या होती है पर्सनालिटी बिगड़ जाती है इसलिए कुछ एक शब्द मैं आपको अंग्रेजी बोलने के लिए लिखने के लिए सिखा रहा हूं क्योंकि जब तक आपका साउंड क्लियर नहीं होगा तो अंग्रेजी बोलने लिखने में दिक्कत होगी ना इसलिए कुछ वर्ड मैं दे रहा हूं इस वर्ड को मेरे साथ दोहराइए मेरे साथ बोलिए और याद कर लीजिए बहुत आसान डेली यूजेज वर्ड है ये डेली काम आते हैं अंग्रेजी बोलने में रोज डेली अक्सर आपको काम आएगा मैं एक एक कर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए आया हूं इस वर्ड को आप कॉपी में लिख करके बार बार दोहराइए ताकि अंग्रेजी बोलने में कभी आपको प्रॉब्लम ना आए आइए देखते हैं मेरे साथ कर करके देखो पहला वर्ड है यहाँ पे डी ई ए -E सी आर टी है और डी ई डबल ए सी आर टी ए ये दो शब्द है अक्सर आप ध्यान दीजिए कि डेजर्ट अब डेजर्ट ध्यान देना साउंड पे बहुत सारे लोग दोनों को डेजर्ट पढ़ लेते हैं लेकिन आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे डी ई एस आर टी है इसको आपको पढ़ना है कि ये डेजर्ट है डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान डेजर्ट मतलब रेगिस्तान बहुत सारे बोलते हैं डेजर्टेड प्लेस है तो डेजर्टेड प्लेस का मतलब छोड़ा हुआ स्थान यानी डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान हुआ बालू वाला स्थान को लोग डेजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान को डेजर्ट बोलते हैं राइट लेकिन जो खाना हम लोग खाते हैं खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए उसको हम लोग साउंड में लिखते तो डेजर्ट हैं लेकिन पढ़ते हैं डिजर्ट क्या पढ़ेंगे डिजर्ट हो जाए तो डिजर्ट का मतलब हो गया कि भोजन के बाद खाई जाने वाली मिठाई भोजन के बाद खाई जाने वाली उस वस्तु को हम लोग डिजर्ट कहते हैं तो डिजर्ट का मतलब क्या हो गया बच्चे भोजन के बाद खाई जाने वाली वस्तु तो यहां पर डिजर्ट और डेजर्ट डिजर्ट देखो लिख दिया हूं डेजर्ट डेजर्ट डिजर्ट है ना तो डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान और डिजर्ट डिजर्ट का मतलब भोजन के बाद कुछ मीठा खा लेते हैं कुछ गुड़ खा लेते हैं मिठाई खा लिया रसोगुल्ला खा लिया तो जो खा लिया उसको हम डिजर्ट बोलेंगे साउंड में थोड़ा सा चिंत चिंत चेंज करना है बोलेंगे तो डबल एस हो जाएगा डेजर्ट बोलेंगे तो सिंगल हो जाएगा यह ध्यान रखने की जरूरत है अगला बार देखो यहां पे दो शब्द है सी ए डबल एन ओ एन सी एन ओ एन अब दूसरा बार देखिए कैनन इसको हम लोग कैनन पढ़ते हैं कैनन का मतलब तोप होता है तोप कैनन का मतलब तोप अब इसको बोले कनन कनन का मतलब हुआ मापदंड ये जो शारीरिक सामान्य सा यानी कोई कॉमन कॉमन मापदंड कॉमन मापदंड को हम लोग कनन बोलते हैं तो कनन का मतलब हो गया कॉमन सामान्य से मापदंड को हम लोग कनन बोलते हैं और कैनन का मतलब हो गया तोप जो बड़े बड़े गोले बारू छूटते हैं ना उसको हम लोग कैनन बोलते हैं याद हो रहा है सब तो कैनन कनन ये ध्यान रखना है अगला तीसरा बार देखिए वह है सिमेट्री, सिमेट्री। अब ध्यान रखना है कि सी ई एम ई टी आर भाई बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है साउंड में समस्या होती है वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते तो जब उच्चारण सही नहीं होगा तो मेरे दोस्त राइटिंग भी गड़बड़ होगा और राइटिंग भी गड़बड़ होगा और साथ साथ सही समय पर बोलोगे ना तो गड़बड़ हो ही जाएगा अब देखो सेमेट्री 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 का मतलब हो दफनाना दफनाना कहो चाहे आप कह सकते हो कब्रिस्तान कब्रिस्तान भी आप कह सकते हो सेमेट्री का मतलब कब्रिस्तान कब्रिस्तान में करते क्या है दफनाते हैं तो सीमेट्री का मतलब दफनाना भी कह सकते हैं कब्रिस्तान भी कह सकते हैं और एक हुआ सीमेट्री इसका साउंड क्या हुआ सीमिट्री देख लो यह सेमेट्री है सीमेट्री सीमेट्री का मतलब संतुलन बैलेंस नहीं बोलो सीमिट्री बिगड़ जाएगा इसका लोग बोलते हैं सिमेट्री बिगड़ जाएगा गलत सीमिट्री बिगड़ जाएगा तो सीमिट्री का मतलब हो गया संतुलन करना बैलेंस करने को हम सिमिट्री कहते हैं तो सिमेट्री का मतलब हो गया बैलेंस करना बैलेंस करना को हम लोग क्या बोलते हैं संतुलन करने को सिमेट्री कहते हैं याद हो रहा है सिमेट्री सिमेट्री अब देखो आगे दिया चेस चेस अब दो वर्ड है अब ध्यान दो कि इसको साउंड कैसे निकालेंगे अब सी एच ए सी चेस इसका मतलब होता है पीछा करना किसी को चेस करते हो ना लेकिन इसका साउंड थोड़ा सा चेंज करना आज के बाद चेस पहले बोलते हैं चेस इसको बोलना है चेज का जो साउंड ध्यान देना बेटा एक होता है ज़ा लेकिन यहां पे ऐसे लगा दो तो हो जाएगा ज जा. है ना तो क्या है चेज है क्या बोलेंगे जेज. जेज का मतलब हो गया भाग करके पीछा नोख्ता बोलते हैं एक होता है ज़ा एक होता है ज़ा ज जा, 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 जा. तो जा. है ना चेज तो चेज का मतलब हुआ भाग करके पीछा करना पीछे लग जाना को हम लोग चेस बोलते हैं और ये हो गया चेस ए सा है ए है ए है ए है, है तो चेस का मतलब शतरंज का खेल चेस खेलते रहते हो ना तो चेस को क्या कहते हैं शतरंज के खेल को हम लोग चेस कहते हैं तो चेस का मतलब शतरंज का खेल उसको चेस कहेंगे तो चेस उसको चेस अब देखो बर्थ और बर्थ ये दोनों साउंड बिल्कुल इक्वल है इसको बर्थ नहीं इसको दोनों को बर्थ बोलेंगे बी आई आर टी एच भी बर्थ हो गया और बी ई आर टी एच भी बर्थ हो गया दोनों वर्ड आपका बर्थ है बर्थ 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 अब ध्यान दो जो जन्म लेता है उसे बी आई आर टी एच कहते हैं यानी जन्म बर्थ बी आई आर टी जन्म लच्चा का बर्थ हुआ यानी बी आई आर टी एच और जो रेलवे में जाते हो ट्रेन से वहाँ बोलते रहे यार बर्थ कन्फर्म नहीं हो रहा बर्थ कन्फर्म नहीं हुआ बर्थ नहीं मिला मुझे तो वो जो बर्थ होता है वो होता है बी ई आर टी एच इस बर्थ का मतलब होता है सोना यानी रेल डब्बा में आदि में सोने की जगह को जो सीट मिलता है ना उसको लोग बर्थ बोलते हैं तो सोने की जगह बर्थ को बी ई आर टी एच अब देखो मेरे साथ साउंड निकाल लो इसको बोलेंगे डेजर्ट डेजर्ट डिजर्ट डेजर्ट डिजर्ट डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान डिजर्ट मतलब सोने की बो, बोल बोलो डिजर्ट मतलब सोने देखिए आप भोजन के प्रांत कैनन, कैनन, कैनन कैनन, देख लो सिमेट्री, सिमिट्री सिमेट्री, सिमिट्री सिमेट्री, दफनाना सिमेट्री संतुलन चेस 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 चेस, चेस बर्थ बर्थ सेम साउंड है और देखते हैं इसमें और वो कैप तैयार करते हैं आज ही ठीक है बच्चे अब देखते हैं अगला शब्द क्या कहता है अब यहां पे मैं बेसिकली चाह कह रहा हूं कि आप जितना सीखो न, सीखो। जितना सीखो सीखो ना ना पक्का करो सॉलिड करो क्योंकि आपको मैं सही बुलवाना चाह रहा हूं और सही शब्द का इस्तेमाल ही राइट स्पीकिंग कहलाता है मेरे दोस्त अब यहां पे देखो यहां बढ़े चेक आपको मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को चेक का स्पेलिंग नहीं आता किसने कहा चेक काट के दे दो तो कहा कि चेक का स्पेलिंग बताओ फंस गया बच्चा आप भी जल्दी के दिखाना चेक वही चेक की बात कर रहा हूं ए सी एच ई क्यू यू ई ये चेक है अब चेक का मतलब हुआ चेक जो चेक आप काट कर किसी को देते हो ना वही चेक को हम चेक कहते हैं जो चेक मान लो पांच लाख रुपया तुम्हें दे दिया पांच हजार रुपया दे दिया तो ये जो पांच हजार रुपये का चेक काटा चेक फाड़ा उसी को चेक कहते हैं उसका स्पेलिंग ए वाला सी एच ई क्यू यू ई होता है चेक होता है क्लियर दूसरा देखो चेक इसको हम लोग लिखते तो चेक ही है लेकिन पढ़ते हैं चेक 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 इसका मतलब जांच करना इसको चेक कर लीजिए सर इसको चेक कर लीजिए चेक नहीं चेक चेक कर लीजिए चेक, 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 तो चेक कर लीजिए, मतलब जांच कर लीजिए ये जांच करने वाले को चेक कहते हैं नेक्स्ट -E है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट देखो पी एल ई है ना ये बड़ा सावधान रखना है ई पी एल आई ओ एम पी देखा ध्यान बच्चे यहां पे देखो गौर से यहां पर सीओ एम गौर देखना बच्चे गौर से यहां पे है सी ओ एम पी एल ई ध्यान देना पी एल ई एम एन टी और कॉम्प्लीमेंट देख लो गौर से आप तो कॉम्प्ले कॉम्प्ली तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्पलीमेंट कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट यानी कि पी एल में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट 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 तो कॉम्प्लीमेंट तो पूरक ये पूरक क्या होता है सर पूरक का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड पूरक का मतलब होता है फालतू शब्द यानी एक्स्ट्रा वर्ड को हम पूरक कहते हैं जैसा आप अंग्रेजी लिखते हो तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड और अदर वर्ड को ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जैसे हमने बोला राम गोस्ट टू मार्केट तो राम टू मार्केट राम टू मार्केट टू बाय सम बुक्स राम टू मार्केट टू परचेज सम वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स पर क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट हुआ जो भी सब्जेक्ट वर्ब के बाद अपने एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा ना वो सब कॉम्प्लीमेंट होता है तो हमने बोला कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक एक्स्ट्रा वर्ड और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब वह प्रशंसा प्रशंसा को हम लोग तारीफ को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको आप जानने का प्रयास करना इसको क्या बोलते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट या जो पी एल आई जो बोलते हैं ना इसका मतलब हो गया प्रशंसा या प्रशंसा कहिए या फिर तारीफ कहिए तारीफ तो इस तारीफ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया प्रशंसा करना तारीफ करना को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट देखो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट यानी डी ई एन टी डी ए एन टी देख रहे हो डी ई एन टी और डी ए एन टी तो यहां एन टी और डी एन टी एक हुआ कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट ये ध्यान रखना बात है तो कॉन्फिडेंट 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 तो ध्यान रखना डेंट है, है तो कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंट है नहीं बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी सेल्फ कॉन्फिडेंट हम मतलब खुद पे भरोसा है यानी कॉन्फिडेंट का मतलब आप विश्वासी कह सकते हो भरोसेमंद कह सकते हो तो ये आपको ध्यान देने की बात है कि आप कैसे देखते हो तो ये आपको कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट जैसे ये आपको साउंड पे ध्यान रखना है तो कॉन्फिडेंट मतलब विश्वासी और कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र है कॉन्फिडेंट हो गया विश्वास के पात्र है भरोसेमंद है नेक्स्ट बर्ड है और कंटेस्ट ध्यान देना साउंड पे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है ना बच्चे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया संदर्भ किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ बात कर रहे हो और कंटेस्ट कंटेस्ट का मतलब हो गया प्रतियोगिता कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता यानी प्रतियोगिता हो रहा है कंटेस्ट हो रहा है हम लोग कंटेस्ट में भाग ले रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो किस कंटेक्स्ट किस संदर्भ में बात रहे हो कौन से कॉन्टेक्स्ट है और कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता ध्यान देना है काउंसिलर परिषद का सदस्य काउंसिलर काउंसिलर ध्यान देना काउंसिलर सी आई है ना काउंसिल काउंसिलर काउंसिल कौंसील, काउंसिल का मतलब होता है पता होगा परिषद काउंसिल राज्यसभा लोकसभा तो काउंसिल काउंसिलर परिषद का सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य को काउंसिलर भी कह सकते हो यानी परिषद जो घेरा परिषद है उसके सदस्य को हम काउंसिलर कहते हैं तो कौन से मतलब परिषद या सदस्य और काउंसिलर काउंसिलर काउंसलर जैसे आप किसी कोचिंग में जाते हो एक काउंसलर है परामर्शदाता है एक काउंसलर करेंगे तो काउंसलर का मतलब परामर्शदाता सलाहकार वो सलाह देंगे उसको लोग काउंसलर कहेंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपको पढ़ने का प्रयास करना है ध्यान देना बच्चे आपके लिए मैं डीएसएल लर्निंग ऐप डीएसएल लर्निंग एक अलग से यूट्यूब चैनल बना दिया हूं आप देखना और डीएसएल पढ़ने का प्रयास करना लर्निंग ऐप पे उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके एग्जाम के लिए यहां पे मैं स्पोकन और फाउंडेशन दे रहा हूं और डीएसएल लर्निंग पर क्या दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एसएससी यूपीएससी जुडिशरी जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसका प्रैक्टिस और सिलेबस दोनों चैनल आपका है और जल्द ही डीएसएल स्पोकन चैनल भी लॉन्च होगा और साथ ही साथ आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो जहां भी आप पढ़ रहे हो अपने घर पर मोबाइल पर भी आप पढ़ सकते हो और साथ ही साथ दिल्ली आकर भी पढ़ सकते हो अब दिल्ली दूर नहीं है थैंक यू वेरी मच